यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 2019 से बंद पड़ी जेट एयरवेज एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जेट एयरवेज के नए मैनेजमेंट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 2022 की पहली तिमाही से इसकी घरेलू उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑपरेशन भी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल आसमान में उड़ने वाली जेट एयरवेज 2019 से जमीन पर बंद पड़ी थी। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, क्योंकि 2006 में जेट ने खस्ता हाल एयर सहारा को खरीदा, जो बाद में डूब गई। इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर ने सस्ते टिकट से बिजनेस अपनी ओर खींच लिया। जेट एयरवेज इन्वेस्टर्स ढूंढने में भी नाकाम रही, इससे कंपनी का घाटा बढ़ता गया। लेकिन अब दोबारा से ये आसमान में एक नई उड़ान भरने को तैयार है। इसके लिए जून में इसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ने जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम को मंजूरी दे दी है। लेकिन ये है क्या और ये किस तरह से कंपनी की मदद करेगा, अब वो समझिए। जालान का मतलब है मुरारी लाल जालान। ये वो हस्ती हैं जिनका कारोबार अमेरिका, रूस, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में फैला हुआ है। वहीं कॉलरॉक ब्रिटेन के इन्वेस्टमेंट ग्रुप फ्रेज का हिस्सा है। ये कंसोर्टियम मिलकर फ्लाइट के ऑपरेशन को शुरू करेगा और साथ ही साथ उधारी चुकाने में भी अहम भूमिका निभाने वाला है। लगभग 3 साल से बंद पड़ी इस एयरबेस के सामने फिलहाल बहुत सी चुनौतियां हैं। एयरलाइन के पास इस वक्त कोई डेडी फ्लीट नहीं है। अभी ये तय नहीं है कि ऑपरेशन में कौन से एयरक्राफ्ट कहां से शामिल किए जाएंगे। स्लॉट और पार्किंग स्पेस की भी एक बड़ी चुनौती है। कंपनी पर पुराने कर्मचारियों के 1,265 करोड़ की उधारी है। HR डिपार्टमेंट में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कंपनी 150 से ज्यादा नए कर्मचारियों को अपॉइंट कर चुकी है और इस साल के खत्म होने तक कंपनी 1,000 से ज्यादा नए अपॉइंटमेंट भी करने वाली है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जेट एयरवेज 2.0 जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम की मदद से अपनी दूसरी नई उड़ान भरने को तैयार है। तमाम खबरें